प्रदेश में आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के दामों से कोविड महामारी के दौरान आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है और महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो वहीं अब पेट्रोल व डीजल के दामों से जल्द ही नया रिकॉर्ड भी कायम होने वाला है। पेट्रोल पंप मालिकों की माने तो बढ़ी हुई कीमतों के चलते लोग भी अब कम ही पेट्रोल पंपों का रुख कर रहे हैं, जिस कारण बिक्री में कमी आई है। कांग्रेस ने भी पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा वृद्धि को लेकर सरकार को जमकर घेरा है और जिला अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र जार ने सरकार को चेताया है कि अगर दामों में कटौती नहीं की गई तो प्रदर्शन किए जाएंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर में आज डीजल की कीमत 84.44 रुपए थी और पेट्रोल की कीमत 91.60 रुपए से और स्पीड पेट्रोल की कीमत 94 रुपए से अधिक थी। पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने आए लोगों ने कहा कि कोरोना काल में उनकी आय बेहद कम हुई है और सभी लोग अपने खर्च कम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकारें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं, जो गरीबों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी से रेट बढ़ा रही है। कोरोना के कारण लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। ऐसे में सरकार को कीमतों में कटौती करके राहत देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उल्टा राहत देने का काम करने की बजाय और मुसीबतें पैदा कर रही है। तो दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं ना सर, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिस वर्ष लाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो किराया बढ़ा है ना सर, उसी वजह से हमें तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है इससे। हाँ जी, माँ कहते हैं कम से कम तीर तो सस्ता हो जाए थोड़ा, ये तो लॉकडाउन लगा ऊपर से ना सर। हाँ जी, ये क्या बोल रहे हैं अब सरकार की, बोलते इनके डेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये कम होने चाहिए क्योंकि इसमें बेरोजगार तो मरेगा ही मरेगा है। अब हम क्या बोल रहे हैं इससे आगे सर? ये तो सरकार की बहुत बड़ी भूल है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तेल की रेट देखो, 92 रुपये तेल पेट्रोल हो गया है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया, पब्लिक क्या खाएगी कैसे करेगी? इसमें सरकार को सोचना चाहिए, तेल के दाम कम करने चाहिए, गरीब लोगों को बहुत मार पड़ रही है इसकी। गैस सिलेंडर का भाव देखो, हर चीज़ को देखो, महंगाई के दौर पर है, ऊपर से कोरोना कर्फ्यू चला हुआ है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे कैसे करेंगे? ये जो है ये कम होना चाहिए, एक साल से काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, 70 रुपये से 100 रुपये तक चला गया है पेट्रोल डीजल। वहीं पेट्रोल पंप के संचालक ने कहा कि आए दिन बढ़ती कीमतों का असर बिक्री में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हर वाहन चालक अब पेट्रोल कम भरवाने आ रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन चालक तो 2-3 दिन के बाद ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी औसत सेल में भी लगभग 0.5% से अधिक कटौती दर्ज की गई है। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे डे बाय डे ना, उसमें हमारा फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? जैसे बेचारा उसको 200 रुपये का तेल डलवाता है स्कूटर वाला, वो 100 का डलवा रहे हैं, जो 100 का डलवा तो 50 का डलवा रहे हैं। जैसे हमारी मान लीजिए जो हमारी सेल पर डे होती थी, मान लीजिए जैसे 8,000 पेट्रोल बिकता था, उसमें 2,000 का कम बिकता है। कि कैसे, जैसे कि 100 का, जैसे कार वाला 1500 डलवा, उसमें 1,000 का डलवाना, 1,000 वाले ने 500 का डलवाना। जैसे ट्रक्स वाले बेचारे, पहले वो टंकी फुल कराते थे अपनी, अब उसने अपने हिसाब से डलवाना, जैसे मेरा गेड़ा लग जाए, क्योंकि रेट बढ़ने की वजह से किराए उनको उतना ही है और डीजल पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं। आके ना उनके सब में फ़र्क है, डीजल में भी इतना फ़र्क है। जैसे मान लिया अब हमारा डीजल 10,000 लीटर बिकता था, अब तो 2,000 लीटर कम बिकता है, क्योंकि इसी वजह से जिस ट्रैक्टर वाले ने बेचारे ने डलाना 40 लीटर डलाता था, उसने 20 ही डलाना। पेट्रोल का जो रेट है, ताज़ा रेट है हमारे पास इस वक्त चाहिए, डीजल का रेट बढ़ गया अब 84.44 रुपए और पेट्रोल का बने 91.72 रुपए और जो स्पीड पेट्रोल है उसका बने 94.44 रुपए। वहीं इस मुद्दे पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने सरकार को चेताया है कि अगर सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की तो प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों में तो पेट्रोल और डीजल के दाम शतक लगा चुके हैं और अगर यही हाल रहा तो हिमाचल में भी दामों में बढ़ोतरी होने की दिक्कतें लोगों को मिलेंगी। जैसे मध्य प्रदेश में तो 102 तक पहुँच गए हैं पेट्रोल के दाम, यहाँ भी 90 से ऊपर और 90 के करीब तो डीजल के दाम पहुंच गए हैं। तो इसके लिए भी हम 2-4 दिन में एक अन्य ज्ञापन देंगे जो जिसका सब्जेक्ट महंगाई पर ही होगा। तो हम वैसे बार बार अखबारों में मीडिया के माध्यम से भी सरकार को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महंगाई को ख़त्म कीजिए,
इस महंगाई के कारण लोगों का जीना दूभर हो गई है, उनकी रसोई चलाना बंद हो गया है तकरीबन, और लोगों का खाने की दिक्कत हो गई है। सरकार का कोई प्रबंधन नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। जब लोगों के पास पैसा आएगा ही नहीं तो अपना घर कैसे चलाएंगे, और उसके साथ एक तो कोरोना की मार है और दूसरे महंगाई की मार। आप तो जनता के साथ आपको बिल्कुल संवेदना नहीं है। आमदनी ठप है,